आज हम देखेंगे कि रेस्पबेरी पाई में हम लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सवाल मौजूद है जिसको हम देख रहे हैं, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट है इसकी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको लिखने का सीधा साधा तरीका है कि आप लिमिट लिखें, और लिमिट लिखने के बाद इस फंक्शन को डिफाइन करें मैथमेटिक्स में, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और कॉमा के राइट हैंड साइड पे आपने एक्स टेंड्स टू जो भी लिमिट है वो बताना है, इन्फिनिटी है, जीरो है, वन है। अगर हम लिमिट लिख के शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये हमें इसकी लिमिट बता देगा कि ये माइनस वन आपका आंसर है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि वाकई में ये इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम एच ओ एल डी होल्ड लिमिट लिखेंगे और फिर शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये हमें बता देगा कि मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा नज़र आता है। तो कोई भी फंक्शन, वो स्क्वायर रूट हो तो एस क्यू आर टी लिखना पड़ेगा, और डिवाइड हो तो डिवाइड का साइन लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई यानी स्टार का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये तीनों सवाल आप परफॉर्म कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन ज़रूरी है कि होल्ड लिमिट लिख के ये चेक कर लिया जाए कि वो मैथमेटिक्स की ज़बान में कैसा दिखाई दे रहा है। थैंक यू।